अगले कॉलर जय हिंद, बोलिए। संतोष कुमार क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, बात ऐसा है, कांग्रेस के सरकार के पीछे जल्दी से जल्दी कोई कदम उठाना पड़ेगा। एक दिन प्रतिदिन जो है कोई ना कोई नया प्रोग्राम रखा जा रहा है। हाँ अभी जो है इस्लामिक बैंक का जो गठन कर रहा है, इसमें जो है आतंकवादी को बहुत अच्छा है, उनको सहयोग मिलेगा, उनमें पैसा रहेगा, कहीं भी आराम से अपना कभी भी कोई काम को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं वो। इसलिए इनको जो है जल्दी से जल्दी कांग्रेस के सरकार से निपटना पड़ेगा। ये जो है भ्रष्ट सरकार, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इतना भ्रष्ट है, ये कोयला पता गए, अभी क्या क्या पकाएंगे देश में। कम से कम कोई अगर अच्छा कार्य नहीं कर सकता तो खराब भी मत करो। जाते जाते अभी तो कुर्सी तो मिलेगा नहीं दोबारा, लेकिन अभी सोच रहा है जो पूरा ही बिक्री कर दूं देश को। सर जय हिंद। अगले कलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, बोलिए। धर्मेंद्र सिंह राजपूत। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, क्या मुसलमानों की मनमानी होती रहेगी क्या इस भारत में क्या? हेलो सर, बोलते रहिए आप। तो हम ये कह रहे हैं, ये इस्लामिक बैंक खुल रही है, इसमें रोक लगाइए आप, कांग्रेस सरकार से कुछ मदद मिले, ये गलत है। धन्यवाद, आपकी कितनी भोली आशा है कि हम केवल बोल दे और ये रोक जाए, ऐसा नहीं है। देश में तमाम लोगों को तो ये पता भी नहीं है और ये शुरू होने की दिशा में जा रही है। हम आपको कारण दिखाते हैं कि हम आपको ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। देखिए, धर्मनिरपेक्ष देश में इस्लामिक बैंक का झंडा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर कोई भी कानून धर्म के आधार पर नहीं बनाए जाते, लेकिन अब धर्म के नाम पर बैंक खोलने की शुरुआत हो गई है। ये शुरुआत की केरला के उच्च न्यायालय ने, ये और भी बड़ा सवाल है। न्यायालय का कानून बनाना, बैंक खोलने और बंद करने का अधिकार रिजर्व बैंक के पास है। रिजर्व बैंक ही किसी भी तरह का बैंक खोलने का अधिकार देता है, लेकिन रिजर्व बैंक ने इस्लामिक बैंक खोलने से मना कर दिया। अब न्यायालय ने बैंक खोलने की इजाजत दे दी है। धर्म के आधार पर बैंक खोलना संविधान और कानून के खिलाफ। लगता है डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसे केरल कोर्ट नहीं मानता। अगर केरल न्यायालय संविधान को मानता तो ऐसा फैसला नहीं देता। रिजर्व बैंक के गवर्नर का निर्णय न्यायालय ले रहा है। जो निर्णय संविधान और कानून को ध्यान में रखकर रिजर्व बैंक के गवर्नर को लेना था, आज निर्णय न्यायालय ले रहा है। रिजर्व बैंक ने साफ कहा, धर्म के आधार पर बैंक खोलना संविधान और कानून का उल्लंघन है, मगर ये बात न्यायालय को नहीं दिखी। लगता है या तो न्यायालय ने किसी दबाव में फैसला लिया है या फिर बिना कानून को ध्यान में रखे। संविधान और कानून का उल्लंघन, इस्लामिक बैंक। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते वक्त साफ कहा है, धर्म और शरीयत के नाम पर कानून को नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन अब न्यायालय ही संविधान और कानून को ताक पर रखकर निर्णय दे रहा है। शरीयत के आधार पर इस्लामिक बैंक। शरीयत कानून हो भी तो वो किसी विशेष धर्म का व्यक्तित्व और पारिवारिक कानून हो सकता है, उनका तलाक, निकाह या फिर हम दो हमारे दस जैसे मामले शरीयत कानून में आ सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था, बैंक, न्यायालय, राज्य के कारोबार शरीयत कानून के तहत कैसे चल सकते हैं? जो आपने आपकी प्रतिक्रिया कारण के रूप में यहां तक भेजी है उनको हमने आपके सामने दिखाया है। अब हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन उसके पहले एक विदेश से जो वीडियो कॉल है उसको ले लेते हैं, उसके बाद आप भी कॉल कर सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। ओके बोलिए, शुरू कर दें। नमस्कार भैया। हाँ बोलिए। अभी हमने आपका ये प्रोग्राम देखा, देख रहे हैं कि इस्लामिक बैंक का खुलना हिंदुस्तान में कितना सही है। ये नंबर एक तो ये कानून के खिलाफ है। हमारा देश जो है वो धर्म निरपेक्ष देश है, जिसपे धर्म के नाम पर कोई भी बैंक खोलना वो कानून के खिलाफ है, लेकिन ये कानून को अपने पैरों तले रोंते चले जा रहे हैं। अपना सिर्फ अपना वोटों के लिए, जो वोट इनको चाहिए, जिसके लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं, बैंक खोलने को तैयार हैं, कानून तोड़ने को तैयार हैं, और ना ही कुछ ये समझते हैं कानून को। कानून बनाना इनके लिए, कानून तोड़ना इनके लिए अपना ही एक धंधा है। इसको ये इन्होंने अपना व्यापार बना लिया, इस सियासत को इन्होंने व्यापार बना दिया। जब से ये जो लोग अपने देश को काबिज किया, जब से शुरू किया, जब से ही देश आजाद हुआ, तब से ही इनकी यही पॉलिसी रही, डिवाइडर रूल, क्योंकि ये अंग्रेजों ने ही बनाई थी कांग्रेस, और उनके कांग्रेस को भी जो हिंदू माइंडेड लोग थे उनको इन्होंने निकाल फाड़ बाहर फेंक दिया। अब तो ये एक ही परिवार के लिए जो कुछ कर रहा है वो कर रहे हैं,
और उसके लिए वो अपना पैसा बाहर, दो नंबर का पैसा बाहर भेजते हैं, उसी से वो बैंक को भी चलाएंगे और अपने वोट बैंक का साधन बनाएंगे, बस और कुछ नहीं करना। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए इस्लामिक बैंक का, और अब तक के एक भी कॉलर ने इसका समर्थन नहीं किया है। देश के तमाम जो अर्थ विशेषज्ञ है किसी ने समर्थन नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक समर्थन इसका जारी है। आइए, और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जय हिंद। जय हिंद बोलिए। जय हिंद बोलिए। मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं इस्लामिक बैंक के पक्ष में होंगी। हाँ। अगर ये बैंक मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन दे मेरा बिजनेस खोलने के लिए। हाँ। और यदि ऐसा करता है ये बैंक। हाँ। तो चाहे मुझे बिजनेस में लाभ हो या हानि हो, दोनों तरफ ये हिस्सेदार बने। हाँ। क्या ये बैंक ऐसा कर सकता है, और क्या इस बैंक में सिर्फ मुसलमान ही खाते खोल सकते हैं? बैंक तो ऐसा होता है कि सारे उसमें हिस्सेदार होने चाहिए, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, बैंक तो सबके लिए होता है। तो मैं ये, अगर ये बैंक सबके लिए है और इस शर्त को मानने के लिए तैयार है, तो मैं इस बैंक को मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम तो हिंदू है, हम तो सभी बैंक जैसे करते हैं उन्हीं के साथ है, हम तो इनके साथ थोड़ी। धन्यवाद। ये हिंदू वर्सेस मुसलमान ऐसे खड़े हो जाए, इसलिए तो ऐसे कई प्रस्ताव को इस देश में नहीं लाया जाता। जैसे कि थोड़ी देर पहले यूएस से हमारे कॉलर ने कहा था कि डिवाइड एंड रूल के लिए जितना ज्यादा स्पष्ट हो कौन किस तरफ है, इससे ज्यादा राजनीतिक फायदा होगा। कट्टरता के साथ राजनीति करना ज्यादा आसान हो जाएगा, तब आपके लोक लुभावन वादे करने की जरूरत नहीं, अच्छा प्रशासन देने की जरूरत नहीं, आपको देश हित में कुछ करना ही चाहिए इसकी भी जरूरत नहीं। बस आप कट्टरता को इतना बढ़ावा दीजिए, दो फाड़ कर दीजिए, और एक फाड़ आपके साथ है तो आप राजनीति में सत्ता में बैठते हैं। ऐसे ही लगातार जब बिंदास हम ऐसे विषयों पर करते हैं, तो लोगों की आने वाली प्रतिक्रियाओं के बाद लगता है कि जिसकी भी ये नीति है वो सही साबित होने की दिशा में जा रही है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। ये सर, इस्लामिक बैंक के बारे में जो देख रहा हूं मैं। हाँ। वैसे तो कहने के लिए कांग्रेस कहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चलाते हैं, स्टेट चलाते हैं, देश चलाते हैं। लेकिन ये चीज आप मेरी समझ से बाहर जा रही है। अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, इंदिरा गांधी के पीरियड में जाएंगे, तो फिरोज गांधी जो था वो आप देख लो, आप तो हमसे ज्यादा हिस्ट्री जानते हैं, और आज का डिवाइडेशन देख लो, सोनिया का देख लो, और उसमें बैठे हुए नेताओं को देख लो आप। तो ये अगर ये मुसलमानों के बारे में सोचेंगे तो क्या हिंदुओं के बारे में सोचेंगे? तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र है ये। धन्यवाद। इतने साल पुरानी कांग्रेस को लोगों के ऐसे शंकाओं का समाधान आगे आकर करना जरूरी है। हम आपको सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने इस विषय पर केरला के हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, वो क्या कहते हैं देखिए। तो मैं क्या है कि 3-4 साल पहले मैंने केरला हाई कोर्ट में एक केस डाली थी, और उस केस में हमने ये कहा था कि हमारे संविधान में और रिजर्व बैंक और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत इस्लामिक बैंक हमारे देश में अवैध होगा, उसके लिए कोई कानूनी आधार नहीं है। और केरला हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और रिजर्व बैंक को नोटिस भेजा था, उन्होंने दोनों ने एफिडेविट फाइल की थी जिसमें इन्होंने इसको कबूल किया कि हाँ आज के वर्तमान विधि में या जो कानून बनी है उसमें इस्लामिक बैंक संभव नहीं है, तो इसीलिए वो इस्लामिक बैंक को बनने नहीं दिया। वास्तव में इन्होंने इस्लामिक बैंक के लिए परमिशन दी है। मैं दोबारा हाई कोर्ट में जाकर रिजर्व बैंक गवर्नर के नाम पर एक कंटेम्प्ट पिटिशन डालूंगा। तो अभी मैं सिर्फ जानकारी प्राप्त करने के लिए लगा हूं, अखबार में छपा है, और मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि हमारे देश में आज के वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन में और जो कानून है हमारे देश में, जिसका संशोधन सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, रिजर्व बैंक नहीं कर सकता है, इस देश में इस्लामिक बैंक शरिया के आधार पर नहीं बन सकती है। कॉलर के पास चलते हैं।
जय हिंद। मैं गाजियाबाद से अश्विनी बोल रहा था। जय बोलिए अश्विनी जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदू भाइयों से यह कहना चाहूंगा कि हम सबको संगठित होकर इसके खिलाफ आवाज उठाए, क्योंकि सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि जो है हम हिंदू के बारे में सोचे जाए, वो केवल हिंदू विरोधी गतिविधियों में ही लग रही है। जो है मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि सभी हिंदू भाई। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद बोलिए। जय हिंद सर। हाँ सर, आपका चैनल है जो मैं इस चैनल से इतना जागरूक हुआ हूँ कि चैनल में ही हुआ हूँ, बाकी चैनल तो सभी बिक चुके हैं। आपका चैनल अभी तक कांग्रेस के चैनल पे नजर नहीं पड़ी है, इसीलिए तो बचा हुआ है। अगर कांग्रेस चैनल यही चैनल बंद करवा दिया, हमारे लिए कोई जागरूक बचेगा ही नहीं। मैं आप चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मगर इस्लाम जो धर्म निर्देश दिए थे, इस बैंक को क्यों खोला गया? इस बैंक की क्या जरूरत थी देश को? कांग्रेस अपनी किस हद तक गिर सकती, हमने कभी सोचा भी नहीं था। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी सर। हेलो बोलिए। हेलो सर, मैं अमित बोल रहा हूँ, अभी करंटली स्टॉकहोम स्वीडन से। हाँ। और मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बिलोंग्स करता हूँ। हाँ। तो मेरे बिजनौर में भी एक मुस्लिम बैंक नाम की एक संस्था चल रही है। हाँ। जिसमें सारा मुस्लिम लोगों का पैसा लगता है और वो सारे मुसलमानों से रिलेटेड स्कूल मदरसों को प्रमोट कर रही है। हाँ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा आने वाला टाइम जो है, क्या हम हिंदुओं के लिए बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी कि हम इंडिया छोड़ के बाहर ही सेटल हो जाएं? आज मैं स्वीडन में बैठ के सोचता हूं, क्या मैं अपने परिवार को यहां बुला के इंडिया छोड़ के क्या यही सेटल हो जाऊं? वो मेरा देश क्या रहेगा जिसके लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा, सोच नहीं पा रहा? कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं सर हम। एक मैं आईटी प्रोफेशनल हूं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, देश से बाहर हूं, बट मुझे कोई ये बताएगा कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ बैठकर भी इंटरनेट के थ्रू आपका चैनल देख रहा हूँ सर, कि अपना एग्रेशन हम लोग कहाँ निकालें? देश के भले के लिए करें या अपने को बचाएं? बिल्कुल बिल्कुल, देशभक्तों के लिए ये दुखद स्थिति है। और शायद कड़वे देशभक्त ना भी हो तो जैसे बात आम लोगों में है कि अपने परिवार का क्या होगा, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, इसको लेकर चिंता इस देश के प्रति और देश के जो भावना या देश में जो जो कुछ भी हो रहा है इसको लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। आप अगर ऐसे लोग हैं, अगर आप ऐसे खुद को मानते हैं कि देश में हो रही तमाम गलतियों को और जानबूझकर की जा रही गलतियों को और गुनाह के खिलाफ आप आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो आप सुदर्शन के साथ जुड़ सकते हैं। हम देश भर में ऐसे और दुनिया भर में ऐसे लोगों को लेकर कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं, जो कि मीडिया में हम मुद्दा उठाते हैं और ये मुद्दा मीडिया में उठने के बाद आगे नहीं बढ़ता। ये मुद्दा उठना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और उसके लिए सामाजिक संगठनों को हम ऐसे विषयों पर काम करने के लिए मटेरियल मुहैया कराए, इसके लिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। देश में तमाम ऐसे NGO हैं जो कहीं पर अगर कोई डैम हो रहा है, कहीं से कोई रेलवे जा रहा है, कहीं से कोई हाईवे जा रहा है, तो उसका विरोध करती है और सालों साल उसको लटका के रखते हैं। कई ऐसे पावर प्रोजेक्ट है जिसके लिए जमीन इसलिए नहीं मिली, किसी NGO ने कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई दी, मेधा पाटकर जैसी कोई व्यक्ति उनके पीछे आंख बंद कर खड़ी हो गई और उस प्रोजेक्ट की लागत कई हजार गुना बढ़ गई। देश में बच्चों को पढ़ाई के लिए बिजली नहीं है, कई अस्पतालों में बीमार लोगों को ऑपरेशन के समय बिजली चली जाती है तो लोग मरते हैं, ऐसी कई चीजें होती है। ऐसे ऐसे NGO है, कोई NGO ऐसे विषयों पर जिनको सुदर्शन उठा रहा है क्यों नहीं काम करता? हम ऐसे NGO को ऐसा मटेरियल मुहैया कराने को तैयार हैं।